तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के आई आर पे। और इसी के साथ भारत और नेपाल के बॉर्डर पे लेके चल रहे सिलसिलों से आपको पता ही है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 8 महीने से बंद है। इसी के ऊपर अब भारत और नेपाल के इस सीमा विवाद को भी लेके कुछ चर्चाएं की गई है और भारत और नेपाल बॉर्डर खोलने के लेके भी कुछ चर्चा की गई है। तो इसी को बात के लेके चल रहे सिलसिले में अब भारत के कुछ मुख्य अतिथि हैं, जो मुख्य पॉलिटिक्स हैं, जो नेपाल में जाके और बॉर्डर को लेके खोलने के बातचीत चल रही है। तो इसी के साथ आप पूरी खबर देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो इसी के साथ भारत और नेपाल के जो कुछ मुख्य पॉलिटिक्स हैं वो आपस में मिलके बातचीत करेंगे भारत और नेपाल के बॉर्डर खोलने के लिए कि कब भारत और नेपाल के हम बॉर्डर खोलें और क्या हालात है कोरोना के, और इसी को लेके वो कुछ ऐसे अहम मुद्दे और अहम फैसले भी रख रहे हैं कि वो भारत और नेपाल के बॉर्डर जल्द से खोल दिए जाएँ। तो इसी के साथ अभी भारत ने नेपाल को 2000 वैक्सीन दी है कोरोना की, तो वो वैक्सीन दी है जिससे नेपाल को फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। और इसी के साथ भारत और नेपाल के पगडंडी बॉर्डर खोल दिए गए हैं, तो जिससे जनता को बहुत ज़्यादा फायदा हो, जो निकट जनता है उन्हें फ़ायदा ज़्यादा मिलने वाला है क्योंकि वो आसानी से भारत और नेपाल के बॉर्डर पगडंडी के राह पार कर सकते हैं। जो वाहन हैं, टूरिस्ट हैं, उन जैसे कार्यों के लिए अभी बॉर्डर को कतई ही सील कर दिया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है, उन चीज़ों को वहाँ से नहीं निकलने देंगे, वाहनों को नहीं जाने देंगे। तो इसी के साथ यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भारत और नेपाल के पगडंडी के बॉर्डर खोल दिए गए हैं, जिससे आम जनता, जो मजदूरी करने वाले, जो जहाँ पे कुछ भी वर्क करते थे नेपाल से भारत या भारत में नेपाल वाले, तो उनके लिए ये फ़ायदा मिल चुका है कि वो अपने घर वालों से मिलने के लिए अब आसानी से जा सकते हैं। और आगे वो 15 दिसंबर को वाहन जाने वाले रास्तों को भी खोलने का भी पूरा प्रयास चल रहा है। तो इसी के साथ वो अब नए रुख और नए मोड़ ले चुका है बॉर्डर, और खुल चुके हैं भारत और नेपाल के पूर्ण रूप से बॉर्डर। पगडंडी से जा सकते हो आप, बॉर्डर को पार कर सकते हो, और किसी भी प्रकार को आपकी दिक्कत हो तो आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हो। तो इसी के साथ जय हिंद जय नेपाल, बने रहिए हमारे साथ नई अपडेट के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।